हेलो गाइस, मेरा नाम राजकुमार ओझा और डॉट ओझा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इस तरह से वर्णन है, आत्मा की यात्रा का मार्ग प्राणों में है। आत्मा की यात्रा के लिए तीन मार्ग माने गए हैं। जब कोई मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर त्याग कर देती है, उत्तर कार्यों के बाद यात्रा के प्रारंभ करती है उनकी आत्मा, उसे तीन मार्ग मिलते हैं उसके कर्मों के अनुसार। कोई एक मार्ग यात्रा के लिए दिया जाता है, उसमें से इस प्रकार के मार्ग हैं। ये तीन मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए आत्मा निकल जाती है, और धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए निकल जाती है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए निकल जाती है। जिन व्यक्तियों ने मृत्यु से पहले अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किए हैं, किसी का बुरा नहीं किया हो और बहुत अच्छे कर्म करने के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद उनको ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए उनकी आत्मा निकल जाती है। जिन व्यक्तियों ने घोर पाप किए हो, किसी का बुरा करा हो और बहुत लोगों का नुकसान पहुँचाया हो, उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा नरक लोक के लिए निकल जाती है। और जिन व्यक्तियों ने मृत्यु से पहले अपने श्रद्धा भाव से माता पिता की सेवा की हो, उनका कहना माना हो और उनकी हर दुख में सहायता की हो, उनकी मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक के लिए निकल जाती है। वेल, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और डॉट ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।